हेलो दोस्तों, स्पेशली जो बच्चे 2024 का सेकेंड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है इस मोमेंट पे रियलाइज करना कि उनके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारा पोटेंशियल है। अगर किसी तरीके से वो विजुलाइज नहीं है, अगर किसी तरीके से वो रियलाइज नहीं है इस मोमेंट पर, तो उनको आगे बढ़ना है और उनको अगला अटेम्प्ट उसी एनर्जी और उस इनफैक्ट उससे ज़्यादा एनर्जी और एफिशिएंसी से देना है। सभी ने पढ़ाई की है, एक साल, दो साल, तीन साल बहुत मेहनत की है, क्लासेस अटेंड किए हैं, नोट्स बनाए हैं, प्रैक्टिस की है, सॉल्विंग की है, क्या नहीं किया है। एक टेस्ट पेपर हुआ है जनवरी का, जिसकी वजह से हो सकता है कि ऐसा फीलिंग आ रहा हो कि ये डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो सकता है। और उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स वगैरह जो है, जिसके बाद एक कॉम्प्लेसेंट या फिर एक लिथार्जिक या फिर एक कंफर्टेबल जोन पे चला गया है स्टूडेंट, और उसको लगता है कि नहीं, अब हमको आगे मेरा उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, या मेरी प्रैक्टिस कम है, या मेरी प्रिपरेशन कम है। मैं बताऊं कि आपने इतनी मेहनत की है, इतना आपके पास नॉलेज है, पेपर जेई मेन का लेवल बहुत इजी है, यू जस्ट नीड टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इफिशियंटली, उसके बेसिस पे आप पाओगे कि आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए पूरा सिलेबस होना जरूरी नहीं है, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आप हर टॉपिक, हर चैप्टर पर पूरे मास्टर हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ चैप्टर या कुछ टॉपिक या कुछ पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ कंटेंट डिफिकल्टी फील कराता है या तुमको ऐसा फील कराता है कि इसकी वजह से मेरा नहीं हो पाएगा या मेरे को नहीं आता है, तो बिलीव मी कि अगर कुछ चैप्टर्स आप छोड़ के भी जाते हो ना, तब भी एक डिसेंट स्कोर कर सकते हो। और अगर कंप्लीट कर पाते हो तो दैट्स अ बेस्ट केस सिनेरियो। फाइट मारना बहुत जरूरी है, गिव अप करना इज नॉट एन ऑप्शन, राइट। इसके लिए जयशंकर प्रसाद जी की दो लाइंस डिस्प्ले की है मैंने, और मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ, वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इन्होंने बोला है, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनको ऐसा फीलिंग है कि धाराएं उनके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, लेकिन धैर्य रखना ही एक वे आउट है और इजी पाथ पे कोई भी चल सकता है। अगर आपको ये टफ लग रहा है, इस पे चलने के बाद ही आपकी कुशलता निकल करके आएगी और आपको प्राउड फील होगा कि यस आई डिड इट, इररिस्पेक्टिव किस लेवल का स्कोर जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की होगी, गिल्ट इस बात का रहेगा, या फिर जिसको आप कंपनसेट नहीं कर पाओगे वो ये बात होगी कि आपने अपना 110% नहीं दिया था। 110% देने की जरूरत है टिल द एग्जाम। After examination, you do all the analysis, कि ये मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, या हम कर पाएंगे, मतलब क्या रिजल्ट आता है, उससे पहले जज करना is dangerous. And I am expecting कि जितने बच्चे थोड़े से complacent जोन में गए हैं या फिर comfortable जोन में है, उनको बाहर निकलना है, तोड़ना है, फाइंड आउट करना है कौन कौन से टॉपिक उनके स्ट्रांग हैं, कौन कौन से उनके मिडिल लेवल करके है, केवल उन्हीं टॉपिक पे फोकस करो, उनकी प्रैक्टिस करो। अभी जो जनवरी अटेम्प्ट हो गया है, उसके क्वेश्चन पेपर्स को घर में एज अ मॉक पेपर करो, वो आपको रियल सिचुएशन बताएगा। और हर टेस्ट पेपर के बाद उसका एनालिसिस के बाद उसमें फाइंड आउट कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पर हम ग्रो कर सकते हैं इन मिनिमम टाइम एंड विथ मिनिमम एनर्जी। ऐसे भी टॉपिक्स होंगे या ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको बहुत टाइम की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसे हैं, लीव देम, जस्ट फोकस ऑन दोस चैप्टर्स, दोस टॉपिक्स कि जिस पर आप पढ़ करके या फिर थोड़ी और प्रैक्टिस करके या जो पढ़ रखा उसका रिवीजन करके उसमें कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। तीन सब्जेक्ट रहते हैं तो तीनों सब्जेक्ट में आपको मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं, राइट। सो वर्क फॉर मैक्सिमाइजिंग द मार्क्स। तो जो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा उसको हम अकॉर्डिंगली हैंडल करेंगे, जो इजी होगा उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो वो कर सकते हैं। ऐसा करना जरूरी है और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ करके अपनी कुशलता को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और करना भी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।